सत्संग एक ऐसा गोता है जहां आदमी गोता लगा लेता है तो जीवन तर जाता है। सत्संग को समझने का मतलब ही होता है कि धर्म को समझना। धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाएं चलती है, धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं चलती है और धर्म के नाम पर बड़े बड़े लूट खसोट भी चलते हैं और धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार बलात्कार भी होता है। तो आखिर धर्म किसको कहे? आदमी आज मझधार में है, धर्म में इसको मानूं कि उसको मानूं, ये धर्म है कि वो धर्म है? गंगा स्नान करना धर्म है कि गायत्री जप करना धर्म है कि यज्ञ करना धर्म है कि पाठ करना धर्म है कि गीता पुराण बाइबल जिंदा वेस्ता को पढ़ना धर्म है या टोपी पहन लेना, माला पहन लेना, छाप लगा लेना, तिलक लगाने लेना, ये धर्म है? आदमी के दिमाग में आज बात गूंजती है कि धर्म आखिर क्या है। अब तो धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हो गई है, तो धर्म किसको कहूं मैं? एक सवाल उठता है। धर्म यज्ञ तप हवन कुंड ये सब धर्म नहीं है। गांजा का दम लगाने वाले भी अपने को धार्मिक कहते हैं, शराब पीने वाले भी अपने को धार्मिक कहते हैं, घूस लेने वाले भी अपने को धार्मिक कहते हैं, इधर से घूस लेते हैं उधर भगवान की पूजा करते हैं, क्या ये धार्मिक है? मंदिर में एक आदमी जाता है, पूजा करता है, अपने को धार्मिक कहता है, लेकिन मंदिर से जाते जाते एक प्रीच में एक आदमी मिलता है जो पेट से भूखा है, उनके पेट में अन्न नहीं पड़ा है, वो भोजन नहीं किया है, वो हाथ से मांगता है भैया भोजन दे दो, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ, उनका हाथ खींच करके झटकार देता है और मंदिर में जा करके 10 लीटर दूध उड़ेड़ देता है, क्या इसको मैं धार्मिक कहूँगा? मैं आखिर धार्मिक है कौन? धर्म कपड़े से नहीं होता है। कोई सन्यासी कलर का कपड़ा पहन ले, कोई सफेद वस्त्र धारण कर ले, कोई मंच में बैठ जाए, अच्छे अच्छे भाषण कर ले, टोपी पहन ले, माला पहन ले, तिलक लगा ले, इसे धार्मिक कह दे, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म हिंदू ना मुस्लिम बौद्ध ना जैन ये सब धर्म नहीं है, ये तो सिर्फ संप्रदाय है। और धार्मिक होने के लिए धार्मिकता के लेबल नहीं चाहिए, धार्मिक होने के लिए आपस का प्रेम चाहिए, धार्मिक होने के लिए अंतर दिल में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव चाहिए। यज्ञ करना, तप करना, गंगा नहाना, तीर्थ यात्रा जाना, हरिद्वार जाना, ये सारे चीजों को मैं धर्म नहीं कहता हूँ। एक पुजारी घंटों घंटों पूजा भी करता है, उसे वो भी अपने आप को धार्मिक कहता है, लेकिन गाली देना नहीं छोड़ता है, क्या वो धार्मिक है? हर साल तीर्थ यात्रा में करीब करीब इलाहाबाद में 3 करोड़ लोग स्नान करते हैं संगम में, 3 करोड़ लोग स्नान करते हैं। यदि संगम के स्नान करने से मुक्ति मिलती, धार्मिक कहलाते, तो आज हमारे विश्व के सारे लोग धार्मिक हो गए होते, सब लोग मुक्त हो गए होते, आदमी की संख्या नहीं रहती यहाँ। इधर से गंगा में कल ही गुरुदेव जी कह रहे थे, गंगा से निकलते हैं और निकलते ही तंबाकू रगड़ना शुरू हो जाता है, गंजा का दम लगाना शुरू हो जाता है, एक दूसरे का जेब काटना शुरू कर देते हैं और धार्मिक कहते हैं। इधर से हम भगवान का भगत भी कह रहे हैं लेकिन गाली देना नहीं छोड़ रहे हैं, अपने को कबीरपंथी भी कहते हैं, राधा स्वामी वाला कहते हैं, संत मेही के अपने को शिष्य कहते हैं, ना जाने कितने अलंकार जोड़ते हैं, क्या हम धार्मिक हैं? यदि ये सब है तो हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए। यदि ये सब है तो आप जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपके सब चाहते हो जाना चाहिए, लेकिन आपसे तो कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे नफरत करते हैं लोग, याद रखिएगा, या आपसे नफरत करते हैं, आपके घर के सोचते हैं ये बूढ़े बाबा कुछ दिन के लिए बाहर जाए तो हम लोग को छुट्टी मिल जाए, और आप अपने बच्चे से सोचते हैं कि ये बच्चे से कुछ दिन बाहर चले जाए बच्चे तो बच्चों से छुट्टी मिल जाए। आखिर धार्मिकता की परिभाषा क्या है? एक दूसरे की दूरी बढ़ते जाए, ये विज्ञान का देन है कि विज्ञान ने देश और काल की दूरी तो घटा दिया लेकिन विज्ञान ने आदमी और आदमी के दिल की दूरी को बढ़ाता चला गया है। विज्ञान धर्म के नाम पर आज से 2000-2500 वर्ष पहले ईसाइयों में हजारों हजारों लोगों की खून की गंगा बहती थी, लाशें गिर जाती थी धर्म परिवर्तन के नाम पर। आज भी ईसाई में धर्म परिवर्तन की कितना होड़ लगा हुआ है। मैं धर्म की बात इसलिए कह रहा हूं, यहाँ सत्संग में बैठे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं लेकिन सत्संग करते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, कबीरपंथी कहलाते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? खाओ पियो मौज मस्ती कर लो, सत्संग का मतलब क्या होता है? 4 घंटा बैठ लो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो,
क्या यही सत्संग है? सत्संग का मतलब क्या होता है? यहाँ से जाने के बाद में पत्नी से, बच्चे से, बहू से, सास से झगड़ा लड़ाई कर लो, यहाँ से जाने के बाद में गुटखा भी खा लो, तंबाकू भी पी लो, खा लो, शराब भी पी लो, गांजा भी पी लो, यही सत्संग का मतलब होता है? क्या यही धार्मिकता है? ऐसे धार्मिकता से अच्छा है कि आप सत्संग मत करें? धार्मिकता की बड़ी बड़ी लेबल लगा लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर, आज धर्म के आड़ पर बहुत सारे अन्याय अत्याचार चलते हैं। धर्म जिस आदमी को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, एक मंदिर बना ले उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, ये धार्मिक लेबल है आज का। जिस आदमी को कुछ नहीं आता है उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। और धर्म की परिभाषा है आदमी बड़े बड़े आज, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं लेकिन आप भी सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें आपके दिल दिमाग में हजम नहीं करेगा। जब भी कुछ विपत्ति आएगी आपके सामने, जब भी कोई संकट आएगा, तो वही भगवान को याद करेंगे, अपने कर्मों को याद नहीं करेंगे। आपका कर्म सही होगा तो आपके लिए कोई दिक्कत और समस्याएं नहीं होगी, लेकिन वही भगवान को याद करते हैं आप। कौन से भगवान है जो आपको तार दे, या कौन सा भगवान है जो आपका पुण्य और पाप का काम को हटा दे? कोई नहीं है। दुनिया में प्रकृति का जो भी होता है व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल होता है। हमको जो कुछ भी मिलता है अपने ही कर्मों का फल मिलता है। यदि हमारा कर्म सही है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम कर्मों को सुधारें। भगवान राम चार भाई थे और राजा दशरथ उनके पुत्र, राजा दशरथ उनके पिता, बड़े बड़े योग्य पुत्र थे उनके, लेकिन विपत्ति में उनको, राजा दशरथ को एक गिलास पानी देने वाले कोई नहीं मिले। कितने बड़े धार्मिक कहलाने, कितने बड़े भगवान कहलाने वाले पिता का ये हाल हुआ, तो हम लोगों का क्या हाल हो सकता है, सोच लीजिए। मतलब क्या हम बदतर जिंदगी जिएंगे? क्या मतलब हम तड़प तड़प करके मर जाएंगे? नहीं, आज भी अवसर है, आज भी अवसर है। राग छोड़ दीजिए, द्वेष छोड़ दीजिए, एक दूसरा से हिंसा छोड़ दीजिए, जलन छोड़ दीजिए, मैत्रिता का भाव निभाइए। सत्संग में आने के बाद में, सत्संग में जीवन परिवर्तन केंद्र, मैं कल भी कहा था कि सत्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। सत्संग एक शीतल फवहारा है जहां तपते मन को शांत करता है, जलते मन को शांत करता है। आदमी सत्संग का अर्थ समझ जाता है, उनके जीवन में एक क्रांति का लहर छा जाता है। जो आदमी सत्संग का अर्थ समझता है वो किसी से जलता नहीं है। जो आदमी सत्संग का अर्थ समझता है, भाई से नहीं लड़ता है, एक एक इंच जमीन के लिए नहीं लड़ता है। जो सत्संग का अर्थ समझता है वो धार्मिक बदमाशी नहीं करते हैं। और धार्मिक बदमाशी कौन है? बड़े बड़े गुरु, हम जिसे कहते हैं मंचाधारी कहते हैं, जो धर्म का काम तो करते हैं, धर्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन अंदर घूस और बेईमानी करते हैं। क्या ऐसे धार्मिकों के लिए मैं धार्मिक शब्द का उपयोग करूंगा? मैं धार्मिकता अलग चीज हो जाती है एकदम, धर्म और जीवन की परिभाषा अलग हो जाती है यदि हम धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाए। धर्म है, एकदम सरल से अर्थ कहूं, धर्म है अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव। इतना ही परिभाषा है धर्म का, और इसको जीने में आपको पूरा जीवन खप जाएगा, इसको जीने में जीवन खप जाएगा। और यही जीवन की आपकी उपलब्धि होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो कर करके दिखाए, और नहीं कर पाते हैं तो हम बेडौल जिंदगी जीते हैं, अनगढ़ जिंदगी, और कहना चाहिए अव्यवस्थित जीवन। जीवन को सुचारू रूप से जिए आप, सुचारू रूप से। और जीवन की आपकी उपलब्धि क्या होना चाहिए? जीवन की उपलब्धि धन कमाना नहीं है आपकी उपलब्धि, आपकी उपलब्धि परिवार बढ़ाना नहीं है, आपकी उपलब्धि मकान बनाना नहीं है, आपकी उपलब्धि गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना नहीं है। आपकी उपलब्धि होना चाहिए चरम शांति की उपलब्धि होना चाहिए, आपकी उपलब्धि होना चाहिए जीवन की परम उपलब्धि होना चाहिए आत्मशांति। और उसके लिए क्या आप काम करते हैं? अपने आप से पूछेंगे आप, क्या मुझे शांति के लिए मैं काम कर पाता हूं? तो अपने आप से उत्तर आएगा, नहीं, मैं शांति के लिए काम नहीं करता हूं, मैं अपने जीवन को अशांत की ओर ले जा रहा हूं, अशांति का काम कर रहा हूं। जब से बिस्तर से उठते हैं आप व्यापार देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, बच्चे में, परिवार में, धन में, दौलत में, गाड़ी में, मकान में आपका समय व्यस्त होता है। क्या आप अपने जीवन का एक घंटा भी अपने लिए समय दे पाते हैं? और देते हैं तो भी झूठी महिमा करते हैं, झूठी ध्यान करते हैं, झूठी पाठ करते हैं, इससे जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। झूठी पाठ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पाठ रोज करते हैं, चंदन रोज लगाते हैं, तिलक रोज लगाते हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं, गाली देना नहीं छोड़ते हैं, निंदा और चुगली नहीं छोड़ते हैं, फिर आप धार्मिक कैसे हो गए? धार्मिक होना बहुत सरल है और धार्मिक होना बहुत कठिन भी है। धार्मिक होना इतना सरल है जितना आप सोच भी नहीं सकते, इतना ही अर्थ है धार्मिकता की परिभाषा।
अपने पर संयम और दूसरे का सील का दूसरे के साथ सील का बर्ताव। यदि आदमी इसको जी लेता है तो पूरा जीवन खपा देंगे आप और प्रेम की गंगा बहेगी, आध्यात्मिक का परिभाषा समझ जाएंगे, जीवन में ओतप्रोत मिल जाएगा आपको। जो शांति चाहते हैं वो शांति मिल जाएगी आपको। मैंने कहा कि आज भी धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयां चल रही है। आज से करीब 6 महीना पहले मैंने पेपर में देखा था कि बालाजी मंदिर में एक पुजारी के यहां से 3 करोड़ रुपया की संपत्ति मिली, एक पुजारी के वहां से, सबसे बड़े धार्मिक आदमी है। कहीं इसमें ऐसे कोई व्यक्ति तो नहीं है जो धर्म के नाम पर इकट्ठा करके अपने शोषण करते हो? आप विकास नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखेंगे आप। धर्म के नाम पर धर्म का लेबल लगा करके आप शोषण करते हो, समाज का शोषण करते हैं, आपको आपकी प्रकृति क्षमा नहीं करेगी, आपको अपने आपके बच्चे क्षमा नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपको सम्मान नहीं दे देंगे। कोई आदमी सिर्फ कपड़ा पहन करके व्यास गद्दी पर बैठ के बड़ी बड़ी भाषण कर ले और जीवन में आचरण ना हो, थोड़े भी आचरण ना हो, आपके ही बच्चे आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे। आप भले ही व्यास गद्दी में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे लेकिन घर में जाते ही आपको असम्मान महसूस होगा, आपको घर में जाते ही अपमान महसूस होगा, आपके ही बच्चे, आपके ही लाडले, आपके बहू, आपके बेटे आपको प्यार से बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि शर्म आएगी। मेरे पिताजी ऐसे कहते तो हैं लेकिन जीवन में थोड़ा भी उनके परिवर्तन नहीं है। क्या धार्मिक यही है? धार्मिक होना बहुत सरल है, आप प्रेम से जीना सीख जाइए। आप प्रेम के बदौलत समाज टिकता है, प्रेम के अभाव में समाज टूट करके बिखर जाते हैं। और मैं कहा करता हूं कि प्रेम के अभाव में बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रहा है लेकिन घर टूट करके बिखर जा रहा है, बड़े बड़े मकान तैयार हो रहे हैं लेकिन घर टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। मकान और घर बहुत अंतर है आत्मीय बंधुओं, अवसर रहा कल तो कल इस पर बोलूंगा। इसलिए मकान और घर बहुत अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। मकान बनाना बहुत सरल है लेकिन घर बनाना बहुत कठिन है। घर में मंदिर बना लेना बहुत सरल है लेकिन घर को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। घर में मंदिर बनाना बहुत सरल है लेकिन घर को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। बात अटपटी लग रही होगी। घर को मंदिर बनाना मतलब इधर देवी बैठे, इधर देवताएं बैठे, उनको सम्मान करना, उनको उनका पूजा करना, उनकी अर्चना करना। लेकिन आज भारत देश की विकलांगता है कि हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं और घर से बेघर होते जा रहे हैं माँ बाप। जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, लालन पोषण किया, बड़ा योग्य बनाया, वही माँ बाप को दरकिनारे किया जा रहा है, वही माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेजते चले जा रहे हैं और अपने को धार्मिक भी कह रहे हैं। इसे धार्मिक नहीं चाहिए इस भारत देश को। इसी भारत देश में, इसी भारत भूमि में बुद्ध, महावीर, कबीर, ईसा, मोहम्मद, जैन हुए, सारे संत लोग इसी भारत भूमि में हुए। आज इसी भारत भूमि, आज सुबह साहेब जी कह ही रहे थे कि आज इस भारत भूमि में वही महापुरुष आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि आज मैं कैसे भारत भूमि में आ गया जहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और हाहाकार मचाने वाले कोई दूसरा पैदा नहीं हुए हैं, हम ही जैसे समाज के लोग हैं जो आप समाज में हाहाकार मचा रहे हैं। आप अपने को सुधार दीजिए, आप अपने में परिवर्तन ला लीजिए, मात्र धार्मिक हो जाएंगे आप। आप बाहर को सुधारने का चक्कर छोड़ दीजिए, बाहर मंदिर और मस्जिद का चक्कर छोड़ दीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए। और जिस दिन आप घर को मंदिर बना लेते हैं उस दिन आप घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाते हैं और आप छोटों से प्यार करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपका घर मंदिर बन जाता है, उसी दिन आपके घर स्वर्ग बन जाता है। बाहर स्वर्ग फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। आदमी मरने के बाद में स्वर्ग की परिभाषा जानते हैं, मर गया स्वर्ग वास हो गया। जीते जी 90 साल तक नरक की जिंदगी जिया है, क्या मरने के बाद में स्वर्ग वास हो जाएगा? जीते जी एक तंबाकू को छोड़ नहीं पाया, बीड़ी और सिगरेट को नहीं छोड़ पाया, मरने के बाद में स्वर्ग वास चला जाएगा? खरीदा हुआ बिजनेस है क्या? एक उदाहरण दूं फिर अपनी बात समाप्त करूं। एक व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति आया और भगवान के मंदिर में लाइन लगाया था और व्यक्ति देखता है, एक पुजारी देखता है, दौड़ करके आता है और दौड़ करके आते हैं, क्या आपको भगवान का दर्शन करना है? कहते हैं हाँ मुझे भगवान का दर्शन करना है। वो कहते हैं पुजारी आकर के आप 500 रुपये दीजिए, आप इतनी लंबी लाइन में क्यों लगे, मैं आपको भगवान का दर्शन करा देता हूं। फिर वो आदमी कहता है, अमेरिका का व्यक्ति, एक काम करो ना, मैं वहां क्यों जाऊं, मैं तुमको 5,000 रुपया देता हूं, भगवान को यहीं बुला लो। व्यक्ति कहते हैं, पुजारी कहते हैं, भगवान को क्या मजाक बना बैठे हो? फिर व्यक्ति कहते हैं, तुमको मैं 51,000 रुपया दूंगा, यहां मत बुलाओ, मेरे घर पर भेज देना भगवान को। वो व्यक्ति कहते हैं, पुजारी क्या भगवान को मजाक बना बैठे हैं? तो वही अमेरिका के आदमी बोलता है, ए पुजारी तुमको शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए,
तुमने भगवान के दर्शन कराने के लिए 500 रुपया घूस लेने के लिए तैयार था, क्या भगवान तुम्हारा नौकर है क्या? और ये सब ठेकेदार बैठे हैं हम सब लोग। ये धार्मिकों की परिभाषा है। धर्म के नाम पर थोड़ा भी बदमाशी करेंगे आपको चैन और सुकून नहीं मिल सकता है, याद रखिएगा इन चीजों को। धर्मिक आप हैं और मैं सारे लोगों को देख रहा हूं, सबके अंदर एक आशा है, एक प्यास है, एक ललक है, शांति का प्यास है, प्रेम का प्यास है, समर्पण का प्यास है। मैं कैसे सद्गुरु के शरणों में जाऊं, अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, राग को, द्वेष को त्यागूं और परम शांति को पाऊं, इसके लिए आप जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए। यही धार्मिक होने की परिभाषा है। मैंने कुछ देर तक कहने का प्रयास किया, अब इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक दिन तूफान थम जाएगा, स्वतः पाषाणम हो जाएगा, स्वर्ग में पढ़ चरण धरा के आगे जब आदमी आदमी हो जाएगा। मुकेश जी उस त्रिपाल को इधर बिछाया जाए, जो त्रिपाल अभी लाए हैं त्रिपाल महिलाओं के पीछे इधर बिछाया जाए। हेलो, इधर 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 ले आओ, इधर इधर बिछाओ त्रिपाल को, इधर। हेलो, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं। कुछ लोग पूछते हैं कि ये सारे चीज कहाँ देखेंगे, ऐसे विचार गुरुदेव जी का विचार जो भी हो रहा है यहाँ, जो कुछ भी आप लोग सर्च करेंगे मोबाइल में अगर रखे होंगे तो कबीर विचार माला अनिल करके सर्च करेंगे तो सारे संतों का विचार आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। या इतना लंबा ना करके सिर्फ आप नाम सर्च कर देंगे अनिल साहब करके तो उसमें आपका चैनल आ जाएगा और वहां आप ऐसे विचारों को, जीवंत विचारों को आप सुन करके आप कुछ लाभ ले सकते हैं। अभी आप हम सभी लोग परम श्रद्धेय संत श्री अनिल साहब जी से बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे और आपने ये जाना कि इस विचार को आप घर में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और सदगुरु अभिलाष साहब जी की रचित लगभग शताधिक पुस्तकें, 150 से ज़्यादा पुस्तकें गुरुदेव जी ने लिखी और अन्य संतों ने भी पुस्तकें लिखी। इलाहाबाद में सभी पुस्तकों का प्रकाशन होता है। आप लोग जब यहाँ से जाएं तो प्रसाद के रूप में एक दो पुस्तक जरूर लें और पुस्तक का दो स्टॉल लगा हुआ यहाँ पर आपके ठीक एक पीछे में और एक उत्तर साइड से सारे साहित्य हैं और साहित्य आपके घर की शोभा है। आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। स्त्री बाल शिक्षा है, व्यवहार की कला है, आर्ट ऑफ बिहेवियर है, शाश्वत जीवन है, कबीर दर्शन है, बीजक पारक प्रबोधनी है। इस प्रकार के बहुत सारे पुस्तकें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है और वो पुस्तक आपके जीवन हर समय साथ रह सकती है। संत गुरुजन हर समय आपके साथ नहीं हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल अभी आप लोग सुन रहे थे, और भी कुछ चैनल यूट्यूब के हैं जहाँ पर आपको पारख विचार मिलेगा, जो चैनल का नाम है स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन की कला। इस चैनल पर भी आप संत महापुरुषों के प्रवचन सुन सकते हैं, पारख विचार श्रवण कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। पढ़के पढ़खावे सदा सत्संगति के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहे नकीच। मंचा सिंह, संत महापुरुषों सत्संग समारोह में उपस्थित बंधुओं, माता एवं बहनों, बंधुओं, धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है। गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी गोदावरी त्राप्ती में नहाना कोई धर्म नहीं है। आग में घी जलाना, अरवा चावल जौ तिल नारियल जटा मसी गुगुल जलाना धर्म नहीं है। रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ लेना धर्म नहीं है, इसलिए कि पढ़ने वाले मांस और मछली खाते हैं। बंधुओं, काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन गोकुला मथुरा जाना धर्म नहीं है, इसलिए कि जाने वाले चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं, घूसखोरी करते हैं।
बंधुओं, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अष्टजाम, श्रीमद् भागवत कथा करना धर्म नहीं है। ये करने वाले दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं और चावल में कंकर मिलाते हैं। धर्म व्यक्ति का स्वभाव है। मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, निराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना भी धर्म नहीं है। धर्म स्वभाव को कहते हैं, धर्म नेचर को कहते हैं, धर्म गुण को कहते हैं। एक बहू अपने सास को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, फटकारती है, तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, ये धर्म है। अगर बेटा बाप को मारता है अथवा गाली देता है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, बेटा तुम्हारा धर्म नहीं है पिता पर हाथ छोड़ना या गाली देना, ये धर्म है। भाभो अगर भैंसुर को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, तुम्हारा धर्म नहीं है भैंसुर को गाली देना। और भैंसुर भी अगर भाभो पर हाथ छोड़ता है, उसको भी पंच पकड़ लेता है, आपका धर्म नहीं था भाभो पर हाथ छोड़ना। रमानंदी कबीरपंथी आर्य समाज, आनंद मार्गी और गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन और जय गुरुदेव और बाल जुगेश्वर बन जाना भी धर्म नहीं है। ये सारे दल हैं। रामानंदी एक दल है, संत मत एक दल है, आर्य समाज गायत्री परिवार एक दल है, ये धर्म नहीं है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिससे मन वचन और आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा है। बंधुओं, ये सारे दल हैं, रामानंदी हो, आर्य समाज हो, आनंद मार्ग हो, गायत्री परिवार हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये सारे धर्म नहीं है, ये सारे दल हैं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सपा बसपा, ये सारे दल हैं, वैसे ये सारे दल हैं। दल अनेक होता है लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक होता है। कुछ दिन पहले उसी पार्लियामेंट में माननीय मनमोहन सिंह की जी की सरकार चल रही थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, आज उसी पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, जो बीजेपी की सरकार है। दल अनेक, पार्लियामेंट एक, वैसे दल अनेक, रामानंदी आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, दल अनेक हैं, धर्म एक होता है, एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म का परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जवलों घट में प्राण। यानी दया ही धर्म का मूल है। आज जल चढ़ाने वाली महिला अपने को धार्मिक मानती, अगरबत्ती बार देना ये धर्म मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, कुछ गीत गा लेना, गीत गाना भी धर्म नहीं,
और ऑर्गन पैट बजाना धर्म नहीं है। ऑर्गन बजाने वाले शिखर पराग खाते हैं, जर्दा की माम खाते हैं, और पैट बजाने वाला गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं। तो ये बजाना गाना धर्म कैसे हो गया? भगत गाने वाले लोगों को मैं देखा है गांजा पीते हुए, चाय पीते हुए, सिगरेट और बीड़ी और खैनी खाते हुए। तो भगत गाना धर्म कैसे हो गया? भोला बाबा को जल चढ़ा देना धर्म कैसे हो गया? वो चढ़ाने वाला बकरी काट के खा गया है। बैनाथ जगन्नाथ केदारनाथ हरिहरनाथ पशुपति नाथ जाना धर्म कैसे हो गया? ये जाने वाले दारू पीते हैं और बकरी काट के खाते हैं और मछली मंगा के खाते हैं, तो जाना धर्म कैसे हो गया? बंधुओं, दल बदल जाता है, दल बदलता है। जो कल कांग्रेस में था आज बीजेपी में है, और बीजेपी में था वो राजद में है, और राजद में था वो जदयू में है। दल बदल गया। कल जो रामानंदी था आज कबीरपंथी है, और कबीरपंथी में था वो गया संत मत में, और संत मत में था वो चला गया आर समाज में। दल बदल गया, लेकिन धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। धर्म नहीं बदलता है किसी परिस्थिति में। आंख का धर्म है देखना, आंख का धर्म है देखना। तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है। और कान का धर्म है सुनना, तो कान सुनेगा देख नहीं सकता है। नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा सुन नहीं सकता है। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा सुन सूंघ नहीं सकता। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा बोल नहीं सकेगा। दल बदलता है। लोग कहता है फलना आदमी तो धर्म बदल लिया, धर्म कैसे बदला जाएगा? धर्म अगर बदलता तो बाप के सामने खड़े दूध का तस्मई रखा जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा रख दिया जाए, और बगल में मांस रख दिया जाए, क्या बाप तस्मई खाएगा? मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन वो तस्मई और काजू किशमिश नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। यदि यह कहा जाए बाघ अपने प्राकृतिक धर्म पर अनादि काल से चलते आ रहा है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। बाघ भी धार्मिक प्राणी है। और धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने भी प्राणी मात्र हैं धरती पर, सब अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपना धर्म छोड़ के चल रहा है। बकरी भेड़ी गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रखा जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, क्या प्राणी अपना धर्म छोड़ देंगे? मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे भोजन के बिना, लेकिन कभी मांस को छू नहीं सकते हैं। जब खाएंगे तो घास खाएंगे बिना कंठी के। कभी सत्संग में नहीं गए प्राणी, हाथी घोड़ा कभी सत्संग में नहीं गया, कभी कोई मंदिर नहीं गया, लेकिन आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। और आज तक घास खा रहा है और शुद्ध शाकाहारी होके जी रहा है। लेकिन मनुष्य कंठी भी बांध लिया, रामानंदी कबीरपंथी हो गया, तब भी खैनी खा रहा है, तब भी बीड़ी पी रहा है, तब भी सिगरेट पी रहा है, तब भी गांजा पी रहा है, तब भी शिखर पराग खा रहा है, तब भी जर्दा की माम खा रहा है, और होटल में बैठ के चाय पी रहा है। इसका धर्म कहाँ गया? मनुष्य का धर्म कहाँ गया? बंधुओं, दल बनाई जाती है। कांग्रेस दल कुछ लोगों ने मिलकर बना लिया, राजद बनाया, जदयू बनाया, कांग्रेस बनाया। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। वैसे कुछ लोगों ने मिलकर रामानंदी दल खड़ा किया, कुछ लोगों ने मिलकर आर समाज और गात्री परिवार,
दल खड़ा किया है। दल कुछ लोगों की होती है, धर्म सबके लिए होता है, धर्म कुछ लोगों के लिए नहीं होता। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है, कांग्रेस कुछ लोगों ने मिलकर दल बना लिया, राजद कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया, जदयू कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया, वैसे रामानंदी कुछ लोगों ने मिलकर एक दल खड़ा किया है, आर समाज कुछ लोगों ने मिलकर दल खड़ा किया, गायत्री परिवार खड़ा किया, दल कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया। धर्म बनाने की जरूरी नहीं, धर्म हम लोग प्रकृति प्रदत्त मां के गर्भ से लेके आए। आज धर्म के नाम पर कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, वहां धर्म हमारा नहीं है। आज भी व्यक्ति क्या वस्तु भी अपने धर्म पर चल रहा है, यह धरती अनादि काल से अपने धर्म पर चल रही है। धरती का धर्म है कठोरता, ये अपने धर्म पर चल रही है, और पानी का धर्म है शीतलता, पानी अपने धर्म पर चल रहा है, और अग्नि का धर्म है उष्णता, अग्नि अपने धर्म पर चल रहा है, और हवा का धर्म है कोमलता, हवा अपने धर्म पर है, और आकाश का धर्म है गंभीरता, आकाश भी अपने धर्म पर चल रहा है, लेकिन व्यक्ति धर्म पर नहीं चल रहा है, वस्तु धर्म पर चल रहा है, प्राणी धर्म पर नहीं चल रहा है, पदार्थ अपने धर्म पर चल रहा है। ये माइक का धर्म है, आवाज को खींच के साउंड बॉक्स और हॉर्न को देना, ये माइक अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, और हॉर्न और बक्सा का धर्म है लोगों तक आवाज को पहुंचा देना, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, पहुंचा रहा है आवाज, लेकिन आज मनुष्य अपने धर्म को छोड़ दिया, मनुष्य अपने धर्म पर नहीं चल रहा है। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, उनका धर्म है, उनका नेचर है, उनका गुण है, उनका स्वभाव है, जब वो जन्म लेते हैं तो आंख बंद करके बाहर आते हैं, कुत्ता के बच्चा, बिल्ली के बच्चा, गीदड़ के बच्चा, बाघ के बच्चा, सिंह के बच्चा, ये जितने मांसाहारी हैं वो मां के गर्भ से आंख बंद करके जन्म लेते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, बकरी के बच्चा, भेड़ी के बच्चा, गाय के, भैंस के, हाथी के, घोड़ा के, ऊंट के, गधा के और आदमी के, ये प्राणी प्रकृति प्रदत्त शाकाहारी हैं, ये मां के गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीव से उठा उठा के पानी पीते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका धर्म है, नेचर है, वो सुरूप के पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत छोटा होता है, जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका आंत बड़ा होता है, जितने मांसाहारी प्राणी हैं गर्मी के दिनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है, जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना चलती है, जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आयु कम होती है, जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आयु अधिक होती है, जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। अभी अरुण जी बैठे हैं कबीर आश्रम गोलहा में, अररिया जिला वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें मैं भी गया था, आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब भी आए थे। मुझे एक कुर्ता सिलाना था, मैं एक आदमी से कहा जरा चलिए रानीगंज मोटरसाइकिल से, और जब मैं गया तो दर्जी मुसलमान था, हमको देखा, वो प्रणाम किया, कहा बाबा
आप लोगों का जीवन बहुत सुंदर है, अच्छा है। मैंने कहा क्यों? आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, आप लोग कोई दुर्व्यसन नहीं खाते हैं। मैं टेलर चलाता हूं, 5-5 को दर्जी रखता हूं, और इतनी परेशानी है। आप चलिए हॉस्पिटल में, अगर 10 गो हिंदू कोई रोगी होगा तो कम से कम 60-70 गो मुसलमान होगा। मांस मछली खाते खाते ये रवैया पहुंच चुका है कि हम लोगों का रुपया इतना हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास जा रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जाए। आज मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म को अपना रहा है और दुर्गति इनकी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। धर्म मंदिर में जाके नहीं होगा बाबू, धर्म मस्जिद में नहीं होता है, धर्म गिरजा और गुरुद्वारा में नहीं होता है, धर्म स्वभाव होता है, धर्म नेचर होता है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, गुरु की सेवा करना धर्म है, आए हुए अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है, और दौड़ते रहना जीवन भर, कहीं जाना कहीं से आना, और कहीं मंदिर में फूल पत्ती चढ़ा देना, मिठाई चढ़ा देना, ये धर्म नहीं है, ये आडंबर है, ये देखावा है। इससे आपके जीवन में कोई सुधार, कोई परिवर्तन, कोई कल्याण होने वाला नहीं। बंधुओं, सब लोग धर्म पर आइए, सब लोग शुद्ध शाकाहारी बनिए, सब लोग शाकाहारी बनिए। इतना बड़ा कोरोना काल चला गया लेकिन शाकाहारी आदमी की मृत्यु नहीं हुई कोरोना में, सारे मांस मछली खाने वाले मर गए, शाकाहारी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए हमारा धर्म है, प्राकृतिक हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। गधा जब शुद्ध शाकाहारी होके जी सकता है, घोड़ा शुद्ध शाकाहारी होके, गाय शुद्ध शाकाहारी होके जी सकती है, भैंस जी सकती है, बकरी जी सकती है, तो हम तो फिर मानव है। और आज मानव मांस खा रहा है, आज मानव मछली खा रहा है, और नाना प्रकार के देवी देवता लेके पूजा करके अपने को धार्मिक बनना चाह रहा है। धर्म हमारा है शुद्ध शाकाहारी होना, पहला धर्म है। और दूसरा धर्म है दुर्व्यसन मुक्त होना। हम बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली ना खाएं, यह हमारा धर्म है, यह हमारा नेचर है, यह हमारा गुण है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा विचार है। शुद्ध शाकाहारी होना, दुर्व्यसन मुक्त होना, और मानव से प्रेम रखना। कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अवर्ण सवर्ण नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई गोरा काला नहीं। मानव प्रेम का पात्र है और मानव से प्रेम हमारा होना चाहिए, यह हमारा धर्म। और जितने भी मानवेतर प्राणी है धरती पर, अर्थात मानव जोनी से नीचे की खानी में जीवन बसर करने वाले पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, वो दया के पात्र हैं, मानव प्रेम का पात्र है, और माता पिता गुरु अतिथि श्रद्धा के पात्र हैं। तो माता पिता गुरु अतिथि में हमारी श्रद्धा हो, मानव के प्रति हमारा प्रेम हो, और मानवेतर प्राणी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के प्रति हमारे दिल में दया हो, ये मेरा धर्म है। चूंकि वो अज्ञानी प्राणी है, भोग जोनी में पड़ा है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, आज मनुष्य उसको मार के खा रहा है। साहब कबीर ने कहा, मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है, पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। दुनिया के लोग, बकरी मुर्गी मछली ये सब क्या है? अनारस बेदाना सेव संतरा बड़ा प्रेम से काट काट के खाते हो,
वो भी प्राणी है, उसमें भी प्राण आत्मा है, जीव है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है, वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकाने, सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने, उन्हें नहीं है आए कहीं से। आपका तो बेटा पोता नाती दामाद कलकत्ता पंजाब में कमाता है, उस भरोसा पर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्राणी के कोई बेटा पोता और नाती कलकत्ता पंजाब में कमाने वाले नहीं। वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकानें, उसके लिए बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग आगे बढ़ के बैठ जाएं, जिसके आगे में जगह खाली हो सभी लोग जगह को कैच कर लें। इधर पुरुषों के लाइन में काफी जगह खाली है, आगे में आप लोग आगे बढ़ के बैठ जाएं। उस मैक को बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। अभी आप हम सभी लोग धर्म के संबंध में श्रवण कर रहे थे। एक पंक्ति में श्री गोस्वामी ने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमताई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम वेद पुराण बखाना। और हम लोग धर्म की परिभाषा सुन रहे थे। त्रिदिवसीय इस विराट सत्संग समारोह में आए हुए सभी संत भक्तों से हमारे संत कुछ देर पहले आपसे निवेदन किया था कि सत्संग में भी एक धर्म की आवश्यकता है। आप लोग जो सहयोग करना चाहते हैं, बगल में कार्यालय है, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, जिनकी इच्छा हो, कुछ सहयोग की भावना हो, वहाँ जाके वो सहयोग भी कर सकते हैं। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, थोड़ी सी चर्चा मैं भी आप लोग बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक सज्जन ने पूछा एक संत से कि सत्संग क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं। तो वो संत लगा कबीरपंथी हो, और उन्होंने कहा, गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बांह, कबीर अष्ट ठाकुर से ये उबरिए जाके छां। तो उन्होंने पूछा, मैंने आपसे सत्संग के संबंध में पूछा और आप कबीर साहब की साखी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, कबीर साहब कहते संत एक ठाकुर है, सत्संग एक आध्यात्मिक सैलून है, सत्संग एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है। आप बड़े गजब की बात करते हैं, आप महात्मा होकर के ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं, आप सैलून की बात करते हैं। उस संत ने कहा, मैं निश्चित ही सैलून और ब्यूटी पार्लर की बात करता हूं, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर बाहर का नहीं है, क्योंकि बाहर के ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं, बाहर के सैलून में आप जाते हैं, आपके बाल दाढ़ी भौं बनाए जाते हैं, आपके चित्र को सुंदर बनाया जाता है। जब आप समर्पित हो जाते हैं ठाकुर को, तब चाहे ठाकुर आपके घर पर आवे, चाहे आप सैलून में जाएं, ठाकुर को समर्पित होना पड़ता है। आप अगर डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, लेकिन ठाकुर के पास जाते हैं तो आप पूरी तरह से अपने सिर को समर्पित कर देते हैं, और ठाकुर आपका कान भी पकड़ता है, मुड़ी भी पकड़ता है, सिर पकड़ के जिधर मुड़ता उधर घुमाता है, तभी आपके चेहरे में निखार आता है, आपका चित्र सुंदर बनता है। सद्गुरु कबीर कहते अष्ट ठाकुर से ये, ऐसे ठाकुर जो यहाँ पर बैठे हुए ये क्या करते हैं, आपके भीतरी चरित्र को बनाता है, आपके भीतरी चरित्र का निर्माण करता है। जैसे कैमरा भी दो तरह का होता है,
एक कैमरा यहाँ पर लगे देख रहे हैं, जो कैमरामैन आए हुए हैं और मोबाइल के द्वारा बाहर के चित्र को लिया जाता है, बाहर का वीडियो बनाता है, बाहर का चित्र लेता, बाहर का फोटो लेता है। जब आप कहीं बर्तवारी में जाते हैं तो आप मांग करते हैं लड़की हो या लड़का, उनका चित्र चाहिए, फोटो चाहिए, और वो मोबाइल से कैमरा से फोटो ला करके आपको देता है। लेकिन एक कैमरा फॉरेंसिक डॉक्टर के पास है जो कैमरा बाहर का चित्र नहीं लेता है, वो कैमरा क्या करता है, आपके अंदर का चित्र लेता है, कहाँ पर हड्डी टूटी हुई है, कहाँ पर मांस बढ़ा हुआ है, कहाँ पर आपके अंदर पथरी है, वो पथरी को दिखाता है, वो हड्डी टूटी हुई को दिखाता है, वो नस को दिखाता है, भीतरी प्रॉब्लम को दिखाता है। उसी प्रकार से यह जो ठाकुर की दुकान, ये जो सैलून है, ये चलता फिरता, ये जलता हुआ दीपक है। और यहाँ आने के बाद आप समर्पित हो जाते हैं सदगुरु संतों को, आपका भीतरी चरित्र का विकास होता है, क्योंकि ये जलता हुआ दीपक है। कल जो दीपक जलाया गया था वो दीपक बुझ गया और दीपक लुप्त भी हो गया, पता नहीं कहाँ गया। दीपक सोने का है कि चांदी का, दीपक मिट्टी का है कि तांबा का, दीपक एल्युमिनियम का है कि लोहा का, कोई महत्ता नहीं है। महत्ता इस बात की है दीपक जल रहा है कि दीपक बुझा हुआ है। अगर दीपक जल रहा है, मिट्टी का है, तो प्रकाश देगा। अगर सोने का दीपक है, बुझा हुआ है, आपके घर में अंधकार होगा, प्रकाश नहीं देगा। क्योंकि बड़े संत गुरुजन विराजमान है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। एक छोटी घटना है, जब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का दीपक जल रहा था, उनके श्वास चल रहे थे, तो अयोध्या से जाकर के जब वनवास जाते हैं तो बीच में सीता का हरण होता है और लंका जाकर के वो रावण सहित सबका विनाश करता है। अपने भार्या सीता को लेकर के वो अयोध्या आते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 16वीं सदी में हुए हैं और वो लिखते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है, ये गोस्वामी तुलसी की पंक्ति है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसी तिलक करे रघुवीर। और 16वीं सदी में ही भारत में अफगान से बाबर आता है और बाबर अयोध्या में राम के घर को तोड़ देता है, राम के मंदिर को नष्ट कर देता है और वहां पर अपना मस्जिद बनाता है। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी 350 किलोमीटर की है। जब राम जी जीवित थे तो राम जी यहां से जाकर के लंका में रावण का वध करके सीता को लाने में सक्षम हुए, जब उनके जीवन का दीपक जल रहा था। जब दीपक बुझ गया तो बाबा राता उसके घर को तोड़ देता है और अपने घर के बचाने के लिए नहीं आते हैं। बाबर के बाद वहां हुमायूं राज करता है, हुमायूं के बाद अकबर राज करता है, अकबर का बेटा जहांगीर राज करता है, जहांगीर का बेटा शाहजहां राज करता है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा दारा सिंह और उनका भतीजा बहादुर शाह जफर अंतिम सांस तक वहां राज करता है। लेकिन राम जी नहीं आते हैं वहां उस मस्जिद को हटाने के लिए, अपने घर को बचाने के, अपने घर को खड़ा करने के लिए। 350 साल तक वहां मस्जिद रहता है, फिर जला हुआ दीपक आडवाणी कल्याण सिंह या और कार सेवकों के द्वारा जब आते हैं तो मस्जिद को फिर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह भी नहीं आते बचाने के लिए। और 28 साल तक राम की प्रतिमा वहां रहती है, राम के मूर्ति वहां लगे हुए हैं और उनकी रक्षा में हजारों सैनिक वहां पर रक्षा कर रहे हैं। और एक महीने का खर्चा था 1 करोड़ रुपया। 15 में मेरा जाना हुआ तो मैंने देखा 3 फुट का छोटा रास्ता है उस रामलल्ला के दर्शन के लिए। अब थोड़ा विचार किया जाए, जब राम जी के जीवन का दीपक जल रहा था तब राम जी समर्थ थे, सार्थक थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जब बुद्ध के जीवन का दीपक जल रहा था तो बुद्ध ने पूरी दुनिया में अपना संदेश फैलाया। जब बुद्ध के जीवन का दीपक बुझ गया तो बुद्ध के अनुयायियों ने आपस में बंटवारा कर लिया, एक हीनयान एक महायान हो गया। जब महावीर के जीवन का दीपक जल रहा था तो महावीर से पूरे भारत प्रभावित थे, महावीर के जीवन का दीपक बुझ गया तो वहां 2 परंपराएं हो गई, एक जैन हो गई श्वेतांबर, एक जैन हो गए दिगंबर। जब सदगुरु कबीर के दीपक जल रहे थे तो कबीर ने पूरी दुनिया के पाखंड को दूर करने का प्रयास किया, अपना प्रयास दिखाया। और जब सदगुरु कबीर चले गए तो कबीर पंथियों में ही कई परंपराएं बट गई। जब अब महर्षि मिहि के जीवन का दीपक जल रहा था तो पूरे कम से कम कोसी क्षेत्र को उन्हें देने का, प्रकाश देने का काम किया। जब बुझ गए आपस में ही तकरार हो गए, एक परंपरा शाही के हो गए, एक संतसेवी के हो गए, लेकिन दीपक जलाने नहीं आए, जीवन प्रकाश देने नहीं आए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं ये जो ठाकुर है, ये संत हैं, जलता हुआ दीपक है, इनकी सेवा अगर हम करेंगे, इनके सानिध्य में हम जाएंगे तो हमारे जीवन का दीपक भी जलेगा। शर्त क्या है,
जैसे उस दीपक के पास में जलाने के लिए अपने दीपक में तेल और बाती चाहिए, ऐसे ही इस संत गुरुजन का जीवन का दीपक जल रहा है। यहाँ आने के लिए हमारे जीवन में श्रद्धा का तेल और विवेक का बाती चाहिए। श्रद्धा है, विवेक नहीं है तो काम नहीं बनेगा। भगवान श्री कृष्ण का श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। उन्होंने एक जगह प्रसंग भेद से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, और कुछ लोग कहते कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, इंसान जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन मैं कहता हूँ प्रसंग भेद से हो सकता है अलग जगह, लेकिन हर जगह यह पंक्ति सेट नहीं करता है, हर जगह यह पंक्ति सेट नहीं करता है, क्योंकि हर विषय वस्तु के हर घड़ी दो भाग होते हैं, एक ही पानी की ओले और झाग होते हैं, नयनों को सजाती है काजल, लगे आंचल में तो दाग होते हैं। आप मजदूर हैं, किसी किसान के घर में काम करिए और शाम के समय वो कहे कि कल आज नहीं है, भगवान आपको मजदूरी दे देगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तो काम बनेगा क्या? वहां पर सीना पर चढ़ करके आप काम आज किया तो फल भी आज ही पा लीजिए, फल ले लीजिए, और नहीं देता तो पंचायत बैठाते हैं। तो मेरे कहने का खास बात, सद्गुरु कबीर कहते हैं अष्टाकुर से, ये जो संत महापुरुष है, जो आध्यात्मिक सैलून है, यहाँ आप आए हैं अपने जीवन को समर्पित कर दें। समर्पित करने का मतलब क्या है? आपके पास जो अहंकार है, आपके पास जो विकार, उनका त्याग करके साधु संतों के विचारों को आप ध्यानपूर्वक सुने और सुनी बातों को अपने जीवन में धारण करें तो आपका जीवन बदल जाएगा। जो एक बात मैं बराबर कहा करता हूँ कि सत्संग में हम लोग कितना देर बैठते हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कितना देर बैठता है। सत्संग में हम लोग कब से आते हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कब से आया है, इतिहास साक्षी है। रत्नाकर कभी सत्संग में नहीं गया था, चंद मिनटों का सत्संग मिला रत्नाकर को, देवर्षि नारद के साथ पाया, रत्नाकर के जीवन की धारा बदल गई, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए और कालजयी रचना रामायण का निर्माता बन गया। अंगुलीमाल कभी सत्संग में नहीं गए थे, दो मिनटों का सत्संग मिला बुद्ध का सानिध्य प्राप्त हुआ और अंगुलीमाल के जीवन की धारा बदल गई, वह भी बुद्धि हो गए। तो हमारा सत्संग में बैठना बहुत देर सार्थक नहीं है, सत्संग का हमारे जीवन में बैठना सत्संग की सार्थकता है। तो सत्संग में हम लोग बहुत जा चुके, बहुत बैठ चुके हैं, अब सत्संग को अपने जीवन में जगह दीजिए, सत्संग को अपने जीवन में आने दीजिए। तो मैंने थोड़ी चर्चा की, इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को देता हूँ विराम। और रानी पत्रा से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री जयस्वरूप साहब, इसमें निवेदन करता हूँ कि साहब जी 15 मिनट तक हम लोगों को अपने गंभीर ज्ञान से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। मंचस्थ श्रद्धे संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का यह दूसरे दिन का दूसरा सत्र चल रहा है। भिन्न भिन्न संतों के विचारों को सुने हैं, आगे भी सुनना है। उन्हीं विचारों की कड़ी में दो बातों पर निवेदन। प्रकृति जगत में दो क्रियाएं हैं, एक जड़ात्मक क्रिया और एक चेतनात्मक क्रिया। जड़ात्मक क्रिया जो अनादि से चल रही है, उस जड़ात्मक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि शरीर, प्रकृति, पेड़, पहाड़, हवा, इस रूख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और कहीं कहीं परिवर्तन करने का प्रयास किया है,
तो वो चेतना जिसकी विकसित है, उस विकसित चेतना वाले प्राणी के द्वारा कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके चलते वो विकृति प्रकृति में आई है। प्रकृति में कोई विकृति प्रकृति के चलते नहीं आई। आपने देखा हो कोरोना काल में समूचे विश्व में, समूचा विश्व त्राहिमाम कर रहा था और समूचे विश्व का व्यापार बंद हो गया। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी बंद हो गई। जो प्लेन उड़ान भरता था, एक मिनट में 750 प्लेन उड़ता था अमेरिका का, वो भी थम गया। जैसे थमा, सुनते थे आप लोग कि गंगा का पानी अपवित्र हो गया है, गंगा के पानी में गंदगी आ गई है। जैसे प्रकृति प्रदत्त नियम अपनाया है, मनुष्य के द्वारा जो विकृति फैलाई गई थी जिन जिन माध्यमों से, वो सब कुछ बंद हो गया। कुछ ही दिनों में, एक महीना के अंदर, जो गंगा का पानी गंदगी लेकर के, गंदगी से भरा हुआ था, उस पानी में हरियाली आ गई। बारिश आपने देखा कि बारिश कभी कभी सालों साल नहीं होता था, लेकिन जैसे सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, मनुष्य के द्वारा जो निर्मित चीजें थी जिसके चलते प्रकृति में विकृति आई थी, देखा आपने कि बारिश भी समय पर हुआ। तो प्रकृति में भी विकृति आई तो केवल मनुष्य के चलते, मनुष्य के चिंतन के चलते। ऐसे धरती तल पर मानव जीवन की महिमा शास्त्रों में काफी गाई गई है, लेकिन मनुष्य को छोड़कर मानवेतर जितने प्राणी हैं वो सब प्रकृति में जी रहा है। प्रकृति प्रदत्त नियम का पालन करता है। आप देखते होंगे गौ के बीच 100 गौवे हैं, उस गौ के बीच सांड घूमता रहता है, लेकिन कभी सांड के द्वारा बलात्कार की घटना सुने हैं? कभी बलात्कार की घटना नहीं घटी। जब तक प्रकृति की योग्यता नहीं होती है तब तक वो संबंध स्थापित नहीं करता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में देखिए, या और प्राणियों के बीच देखिए, सिंह के बीच देखिए, हाथी के बीच देखिए, जितने प्राणी हैं मनुष्य को छोड़कर वो सब प्रकृति में जीता है। लेकिन मनुष्य धरती का ऐसा प्राणी है कि वो विकृति में जीता है। इसलिए मानव स्वभाव की तीन स्थितियां हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति में जीने वाला इंसान है जो प्रकृति प्रदत्त नियम का पालन करता है। प्रकृति प्रदत्त नियम क्या है कि जो खाना चाहिए, जो खाद्य पदार्थ है उसी को ग्रहण करता है, जो अखाद्य है उसका त्याग करता है। और इस नियम का पालन जानवर करता है। सभी लोग किसान हैं यहाँ, अब बैल को खाने दिए हैं घास, और उसके घास में सुबह सुबह मांस का टुकड़ा मिला दीजिए, मछली को टुकड़ा टुकड़ा करके घास में मिला करके डाल दीजिए, पानी के बदले शराब डाल दीजिए, आप लोग बताइए उस घास का सेवन करेगा? वो मर सकता है, लेकिन जिसमें अखाद्य पदार्थ मिला हुआ है उसको ग्रहण नहीं करेगा। पेय पदार्थ है जो पीने योग्य नहीं है, वह जानवर प्रकृति में जी रहा है उस पदार्थ को कभी ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य, जिस मनुष्य को धरती का सिरमौर प्राणी कहा गया, मैंने कहा कि प्रकृति में जो विकृति आई है उस विकृति का मूल कारण है मनुष्य।
मनुष्य की जो चेतना प्रशमित है उस प्रशमित चेतना का परिणाम है आज समूचे विश्व में समस्याएं खड़ी है। मैंने कल कहा था कि समूचे विश्व में जो समस्या है उस समस्या का सबसे मूल समाधान मूल कारण है जिस पर चर्चा कर रहे थे धर्म को आधार मान करके मांस। आज मांसाहार इतनी तेजी से बढ़ा है जिसका परिणाम है कि आज हर एक व्यक्ति रोगी होता जा रहा है। जो संत महापुरुष हजारों वर्ष पूर्व से आपसे निवेदन करते आ रहे थे और आपसे कहा ऋषियों ने कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति विप्र मोक्ष, कहा आहार को शुद्ध करो। शुद्धा आहार मनुष्य के जीवन के लिए सबसे अच्छी चीज है। वैज्ञानिक रिसर्च है, जो छात्र हैं और जो अध्यापक हैं कान खोल करके सुनिएगा, क्योंकि आज के छात्र को और अध्यापक को जो अच्छी चीजें हैं उसको सुनने का अवसर नहीं है। साधन सबके साथ है, ये साधन सबके पास है, लेकिन इस साधन का आज सदुपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। यदि इस साधन का सदुपयोग किया जाए तो ये प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है, संत महात्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी जितनी बातें इस पर हो रही है। यदि केवल इसको हम ठीक से सुन लें तो आज हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त जो नियम जिस जो हम मांसाहार करते हैं, जो ऋषि ने कहा कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, वो आज इस युग में वैज्ञानिक लोग चिंतन करके और वैज्ञानिक चिंतक कह रहा है। और भारत का वैज्ञानिक छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक का नाम हम लेंगे तो सब लोग कहेंगे कि भारत में तो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, धर्म की दृष्टि से कहे कि मांसाहार नहीं खाओ। भारत को छोड़ दीजिए, जो देश भोगवाद में जीता है, जिसका आधार केवल भोग है, भोगवादी देश का वैज्ञानिक आज रिसर्च करके बता रहा है कि समूचा विश्व यदि मांसाहार का त्याग कर दे अभी से तो जिसकी आयु 50 वर्ष है उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ जाएगी, 65 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी, और जो बचपन से मांसाहार छोड़ देता है उसकी आयु 100 वर्ष होगी यदि मांसाहार केवल छोड़ दिया जाए तब। कि मांस मनुष्य के लिए नहीं है, मांस जानवर के लिए है। अभी सुन रहे थे व्याख्या सुन रहे थे कि मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, शाकाहारी का लक्षण है मनुष्य के पास, और उस शाकाहारी का लक्षण छोड़कर मनुष्य आज मांसाहार के तरफ दौड़ता चला जा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है चिंतन करने की, आज आवश्यकता है अपनी चेतना को जगाने की। जगी हुई चेतना हमारी उस छात्र को और अध्यापक को जो बुद्धिजीवी हैं कान खोल करके ठीक से समझिए इस बात को कि मांसाहार का त्याग आज से करें, आज से लाभ होगा। क्योंकि जितने असाध्य रोग पैदा ले रहे हैं उस असाध्य रोग का प्रमुख कारण मांसाहार है, और बहुत से कारण हैं। असाध्य रोग का प्रमुख कारण दुर्व्यसन है, जिस दुर्व्यसन के पीछे आज हम दौड़े चले जा रहे हैं, हमारा देश पूरी दुनिया दौड़ी हुई चली जा रही है। कहा किसी कवि ने कि हजारों बह गए बोतलों के इस बंद पानी में, हजारों बह गए बोतलों के इस बंद पानी में, इस बोतल के पीछे पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। और दीवानी का परिणाम है कि वह बोतल हमारे आयु को छीन कर दिया, वह बोतल वह व्यसन। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिसका भविष्य, जो इस देश का भविष्य हो सकता है, जिसको जिसके लिए कहा था इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आज इस देश के बच्चे का भविष्य अंधकार में है। राष्ट्रवादी भावना हमारी खतरे में है, इसका कारण क्या है? इसका कारण बच्चा नहीं है, इसका कारण आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर ये संस्कार आया कहां से? बच्चे के अंदर ये संस्कार कहां से आया? आकाश से तो नहीं आया। इस संस्कार के लिए कहीं विद्यालय तो नहीं है, कहीं महाविद्यालय तो नहीं है। ये संस्कार आया है हमसे,
हम परिवार से समाज से, आज हमारा परिवार हमारा समाज विश्रृंखल हो गया, हमारी चेतना प्रशमित हो गई। उस प्रशमित चेतना का परिणाम है कि आज हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। इसलिए जो ऋषि ने कहा था कि आहार शुद्ध हो सत शुद्धि, और आज के दिन चलते फिरते, चूंकि कहा है विचारकों ने कि भारत की हवा में फिलॉसफी घूमती है, सुनते होंगे देहात के लोग कहते हैं, ये तो संस्कृत में है, देहात की भाषा है, जो हलवाहा है उसके मुंह पर यह वाक्य है, क्योंकि यह भारत की हवा में संस्कृति दौड़ रही है, लेकिन उस संस्कृति का हमने अतिक्रमण करके विकृति की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ते चले जा रहे हैं। वो हलवाहा कहता है जैसा खाओ अन्न, भाषा कितना सरल है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी वाणी। अब उपदेश की आवश्यकता रह गई है क्या? अब उपदेश की आवश्यकता नहीं है, अब इस उपदेश को पालन करने की आवश्यकता है। हम गंगा के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं गंगा स्नान करने, लेकिन इस देश का एक एक व्यक्ति जानता है, उसके पास भी ज्ञान है। हम लोग पढ़ लिख करके जाने हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्यालय महाविद्यालय नहीं गया है, उसके अंदर भी यह ज्ञान है। एक आदमी दौड़ा चला जा रहा है और हल जो रहा जोत रहा था, हलवा कहा कि क्या हल जोतते हो, कहा चलो, कहाँ जा रहे हो, कहा गंगा स्नान करने, कहा गंगा स्नान करने से क्या होगा, कहा गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलेगी, मन पवित्र हो जाएगा। वो हलवा क्या कहा, हलवा का मन है चंगा, कठौत में गंगा। जिस देश की हवा में ज्ञान तैर रहा है, आज दुर्भाग्य है उस देश का आदमी अज्ञान के अंधकार की तरफ डूबता चला जा रहा है। और इसका कारण कौन है? इसका मूल कारण है कि हमारी चेतना प्रशमित हो गई है, और चेतना प्रशमित इसलिए हुई है कि हमारा जो विचार है, हमारा जो आचरण है, उतना अवकाश नहीं है जो मैं इसकी व्याख्या करूं, हमारा जो आचरण है पाश्चात्य सभ्यता में डूबता चला जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति में, जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का आज हमारे देश में खुलेआम अवलोकन किया जा रहा है, उसका उसको अपनाया जा रहा है। इस पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को के आगमन का मार्ग उसी समय बंद होना चाहिए था जिस समय यह देश आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आजाद हुआ था, उसी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को यहां से विदा कर देना चाहिए। वो पाश्चात्य संस्कृति से निकल करके ही आहार आया है, ये भोजन मांसाहार आया। कहा आज देख लीजिए कि मंच लगता है यहाँ पर, 3 दिन का मंच लगा है, अब बहुत परिश्रम से एक छोटा बच्चा का संकल्प और सब लोग मिलकर के किया है। 3 दिन तक यहाँ आप बातों को सुनेंगे, लेकिन हर एक घर में एक इडियट बॉक्स है, वो रखा हुआ है, और उस इडियट बॉक्स पर प्रचार आता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और जब बच्चा इसको सुनेगा तो असर इसका करेगा कि संत महापुरुष का करेगा। और बड़े बड़े लॉबी बने हुए हैं, बड़ी बड़ी लॉबी है कि मांसाहार इस देश में बढ़ता चला जाए, क्योंकि जब तक इस देश में मांसाहार नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश के आदमी का जो शरीर है वो कमजोर नहीं होगा। शारीरिक कमजोरी आ जाए, आर्थिक कमजोरी आ जाए इस देश में, मस्तिष्क से कमजोर आ जाए, इसके लिए सारी साजिश चल रही है। और उस साजिश का कारण है टीवी और सिनेमा, और वहां से हम देख करके आए, यहाँ आने के लिए तो बहुत कम अवसर है। जो लोग आए हैं यहाँ पर, हमको लगता है अधिकांश 40 के ऊपर वाले हैं, जिसको अधिक आना चाहिए, आप लोग भी आए हैं सम्मान है, लेकिन जिसको आगे बढ़ करके आना चाहिए, जो 16 वर्ष के बच्चे हैं, 25 वर्ष के लड़के हैं, जिसको आकर के यहाँ सुनना चाहिए, आप नजर उठा करके देख लीजिए कि कई प्रतिशत यहाँ है। देश का भविष्य सही होगा क्या? अपना भविष्य सही होगा क्या? इसलिए मैंने निवेदन किया कि दो प्रकृति प्रदत्त जो नियम है, एक जड़ात्मक क्रिया और एक चेतनात्मक क्रिया, जड़ात्मक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है तो हमारे चलते, और चेतनात्मक क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो केवल मनुष्य में हुआ है, मनुष्य का विवेक समाप्त हो गया है,
मनुष्य विवेक विहीन हो गया है, विवेक विहीन मनुष्य का परिणाम है, मनुष्य के जीवन का आज परिणाम है कि सबका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, चाहे वो धार्मिक समस्या हो चाहे आध्यात्मिक समस्या हो। इसलिए इन समस्याओं से ऊपर उठने के लिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। इस समस्याओं से ऊपर उठने के लिए संत महापुरुषों के साहचर्य की आवश्यकता है। इसलिए मेरा समय पूरा हुआ, मैं थोड़ा निवेदन किया, इसलिए सब लोग अपने अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन को जो हम छोड़ दिए हैं भगवान पर, मंदिर पर, मंदिर के भरोसे, खुदा के भरोसे, उस पर नहीं। कबीर साहब ने कहा, करो बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदी बहे सो कसमरे प्यास। अपनी चेतना को जगाइए और अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। प्रथम खान पान को संभारो, रस रस और अवगुण को मारो, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक एक प्राण, हत्या कभुन छोटी है, कोटिन सुनो पुराण, जीव घात निर्ल कीजिए बहुलेत लेत वे कान, तीर्थ गहना बाँचो जो कोटि हिरो दान। बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे परम श्रद्धे संत श्री जयस्वरूप साहब जी से। परम आराध्य गुरुदेव जी हम लोग बीच विराजमान है, गुरुदेव जी के विचार सुने, इस पहले एक छोटा सा भजन सुने हम लोग संत श्री उमेंद्र साहेब से। आप आवे और एक भजन रखने की कृपा करें। जनरेटर मास्टर जहां भी हो आप पंडाल के लाइट को जलावें और मंच के नजदीक आवें, आप जहां कहीं भी हो जनरेटर ऑपरेटर। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। उपकारिन में उपकार गुरु, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरु दान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु समय और नयान, गुरु समय और नयान। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये तन मन इंद्रियां चंचल, सदा नर को न चाहती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, स्ववश तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मूली है, स्ववश तन मन वचन करना नहीं कुछ
साग मूली है, नहीं कुछ साग मूली है। अधमता अपने मन की ये, अधमता अपने मन की ये, सदा भव में पचाती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निश दिन, स्वाभाविक दूसरे के दोष को मन देखता निश दिन, हजारों भूल जो अपनी, हजारों भूल जो अपनी, नहीं वे दृष्टि आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो, मगर मन की कुचालें जो, न जल्दी जीत जाती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए, बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए, श्रद्धा भाव के आए, ये साधन हीन साधक को, ये साधन हीन साधक को, विषय भव में गिराती है। ये साधन हीन साधक को, विषय भव में गिराती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। यदि सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वश कर, यदि सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वश कर, तो निज तन मन वचन वश कर, लखे अभिलाष निज दुर्गुण, लखे अभिलाष निज दुर्गुण, तभी मन शांति आती है। लखे अभिलाष निज दुर्गुण,
तभी मन शांति आती है। बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, न कथनी काम आती है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी आप हम सभी लोग परम आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी रचित बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। हम आप सबके बीच में विराजमान है परम आराध्य गुरुदेव जी। गुरुदेव से क्रवत प्रार्थना है कि आप अपने ज्ञान गंगा से हम सबको अप्लावित करने की कृपा करें। और आप सभी श्रोता बंधुओं से भी निवेदन है कि आप लोग 6:15 बजे तक धैर्य धारण करके शांतिपूर्वक बनाए रखें। और सत्संग समाप्ति के बाद ही सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आप लोग भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर कार्यालय में जो लोग सहयोग करना चाहें वे लोग वहाँ जाके भी सहयोग कर सकते हैं। मुद मंगल में संसमाज सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी ब्रह्मचारी उमेंद्र जी ने गुरुदेव जी द्वारा रचित भजन सुनाया। उसमें सारी बातें आ चुकी है। हम केवल इस एक पद पर मनन चिंतन करके आचरण कर लें तो और बहुत कुछ कहने सुनने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है, यहाँ बैठे हुए अनेक लोगों को साखी याद होगी, हजारों बार आपने सुनी होगी साखी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बहुत सरल साखी, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर की ये विशेषता रही है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। एक एक साखी उनकी महत्वपूर्ण है। गुजरात में बड़ोदरा और अहमदाबाद के बीच एक आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही है, एक जगह है नड़ियाद, वहाँ एक अच्छे तपस्वी
संत महापुरुष हुए हैं, संत राम जी महाराज, जिनका मंदिर आज पूरे गुजरात और गुजरात के बाहर प्रसिद्ध है। उस संत राम महाराज जी ने कहा है सदगुरु कबीर के बारे में, आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करी जान, संत राम जग झूठ है सार शब्द पहचान। संत राम जी महाराज कहते हैं कि कबीर की आधी साखी मतलब एक पंक्ति करोड़ों ग्रंथ के बराबर है। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, इस पंक्ति में सदगुरु कबीर विश्व के उस नियम को बताते हैं जिस नियम को आज तक न कोई बदल सका है न आगे कोई बदल सकेगा। दूसरी पंक्ति में कहते हैं जाना तो है लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधा जंजीर। एक वह व्यक्ति होता है जो सिंहासन पर बैठ करके जाता है और एक वह व्यक्ति होता है जो जंजीरों से बंध करके जाता है और उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। थोड़ी चर्चा इस साखी पर हम करें। राजा हो रंक हो फकीर हो, दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है उसे एक दिन यहां से अवश्य जाना पड़ेगा। साहब ने बात तो कही कि चाहे राजा का जन्म हो, चाहे रंक का जन्म हो, चाहे फकीर का जन्म हो, ये राजा रंग फकीर जन्म से कोई बनता नहीं है। अभी जो बच्चा जन्म लेकर के आया है गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा क्या करेगा। बड़े से बड़े ज्योतिषी, बड़े से बड़े भविष्यवक्ता गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि अभी जो बच्चा जन्म लेकर आया वो क्या बनेगा क्या आगे चल करके क्या करेगा। वह बच्चा अपने साथ पूर्व जन्म के कुछ संस्कार लेकर के आया है और वर्तमान में उसे जैसी संगति मिलेगी, जैसी शिक्षा मिलेगी और जिस दिशा में समर्पित भाव से वह मेहनत करेगा वैसे उसके जीवन का निर्माण होगा। पहली बात यह है कि आपके घर कोई एक नया बच्चा, बच्चा तो नया ही होता है, बच्चा जन्म लेकर के आता है तो जन्म लेकर के आने पर आप खुशी मनाते हो, आनंद मनाते हो, लेकिन आनंद मनाने के साथ साथ, खुशी मनाने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें अपने बच्चे को कैसे अच्छे संस्कार देना है। हर माँ बाप की चिंता होती है कि अपने अपनी संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए हम कितना सुंदर मकान बनाकर छोड़ दें, कितनी जमीन जायदाद इकट्ठे करके छोड़ दें, कैसा व्यापार और दुकान बना करके छोड़ दें। कभी आप सोचते हो कि जो एक नया जीव, एक नया बच्चा, नया मनुष्य जन्म लेकर के आया है इसे हम कैसे अच्छे संस्कार दें। मेरा बेटा, बच्चा, आप सोचते हैं, लोग सोचते हैं मेरा जो बेटा है
आगे चल करके बड़ा विद्वान बने, बड़ा धनवान बने, बड़ा नेता बने, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा वकील बने। कभी आपने सोचा कि मेरा बेटा आगे चल कुछ और बने या न बने, एक अच्छा इंसान बने, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, अच्छा लेक्चरर प्रोफेसर बनना, अच्छा वकील, अच्छा जज बन जाना, अच्छा कलेक्टर, अच्छा कमिश्नर बन जाना, अच्छा धनवान बन जाना और अच्छा नेता बन जाना सरल है, कठिन है अच्छा इंसान बनना। आज दुनिया में न डॉक्टरों की कमी है, न इंजीनियरों की कमी है, न वकीलों की कमी है, न जजों की कमी है, न कलेक्टर कमिश्नरों की कमी है, न लेक्चरर प्रोफेसर की कमी है। कमी है तो अच्छे इंसान की, और जब इंसान अच्छे इंसान की कमी होगी तो दुनिया में समस्याएं तो पैदा होगी ही होगी। लोग ये कहा करते हैं, दुनिया की अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है अशिक्षा। शिक्षा जितनी बढ़ेगी समस्याएं उतनी घटती चली जाएगी। अशिक्षा सारे समस्याओं की जड़ है, सारे समस्याओं की जननी है। हो सकता है लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ आप संस्कार दे रहे हो। मैं अशिक्षा का समर्थक नहीं हूं। हर आदमी को पढ़ लिख करके शिक्षित होना चाहिए, लेकिन यह सोचना, और जैसा कि आज हमारे राष्ट्र के कर्णधार लोग सोच रहे हैं कि जब अशिक्षा समाप्त हो जाएगी तो समस्याएं खत्म हो जाएगी, मेरा एक निवेदन है, मेरा एक प्रश्न है आप, ये जितने घूस लेने वाले हैं वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? ये घूसखोरी की जो समस्या आई है, अनपढ़ों की देन है या शिक्षितों की देन है? ये जितनी कालाबाजारी है, ये जितनी मुफ्तखोरी है, जितनी मिलावटबाजी है, ये अनपढ़ों की देन है या शिक्षितों की देन है? ये जितने आतंकवाद की समस्या है, ये आतंकवादी अनपढ़ है या शिक्षित लोग हैं? ऐसे आप और ले लीजिए, हमारे भारत देश में सर्वाधिक शिक्षित प्रदेश है केरल, दक्षिण में है, समुद्र किनारे, आप जानते हैं। जितनी शिक्षा का प्रतिशत वहां है, भारत के किसी भी प्रदेश में उतनी शिक्षा नहीं, उतने प्रतिशत लोग शिक्षित नहीं है। लेकिन भारत में सर्वाधिक तलाक केरल में होता है। जितना तलाक केरल में होता है उतना तलाक भारत में कहीं भी नहीं होता। यदि शिक्षा से समस्या घट जाती तो केरल में तलाक की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों होती? शिक्षित करें लेकिन साथ साथ संस्कारी बनाएं, और संस्कार की सीख विद्यालय में नहीं मिलेगी, संस्कार की सीख मिलेगी आपके घर में। हर बच्चे का पहला गुरु होता है उसकी माँ। माँ की गोद से ही बच्चा सीखना शुरू करता है, भले वो बोल नहीं पाता लेकिन देख तो रहा है, सुन तो रहा है, समझ तो रहा है। माँ के की क्रिया का, माँ के चेहरे की भाव भंगिमा का, माँ के, माँ गुस्सा से बोलती है, प्रेम से बोलती है, मुस्कुरा करके बोलती है, ये सब बच्चा देख रहा है और वहीं से सीख रहा है। फिर माँ के बाद
गुरु होता है पिता और परिवार के लोग, आपका घर, बच्चे की पहली पाठशाला, घर का वातावरण कैसा है, घर के लोग परस्पर झूठ बोल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो तू मैं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षा कहां से मिली, संस्कार कहां से मिलेगा। और जो संस्कार है, अच्छे संस्कार, यही आगे चलकर बनेगा सिंहासन। और जो गलत संस्कार घर से मिल रहे हैं बच्चे को, वो संस्कार, गलत संस्कार जब आगे बढ़ जाएगा तो वही गलत संस्कार बन जाएगा उसके लिए जंजीर। साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है। प्रकृति में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रकृति बेजान है। और जो बेजान चीज होती है उसमें न दया होती है, न क्षमा होती है, न क्रोध होता है, न प्रेम होता है। वह तो जो जैसा करता है उसको वैसा फल तत्काल दे देती है प्रकृति। इसलिए प्रकृति के नियमों को समझने की आवश्यकता है। आदमी जो अपना नियम बनाता है, समय से उन नियमों को वह परिवर्तित कर देता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। उसके पश्चात यहां संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 72 साल हो रहे हैं संविधान लागू किए लगभग। कितने संविधान की कितनी धाराओं को अमेंडमेंट्स कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, बदल दिया गया है। क्योंकि नियमों को हम बनाते, संविधान को हम बनाते, लेकिन प्रकृति के संविधान को हम नहीं बनाते। और प्रकृति के संविधान को जब हम लिखने का काम करते हैं तो दुनिया में समस्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो प्रकृति का नियम है, उस नियम को समझना है। आग का नियम है जलाना। एक नादान बच्चा आग में हाथ डालेगा, आग नहीं सोचेगी कि नादान बच्चा है, ना समझ है, इसे नहीं जलाऊंगी। उसका काम है जलाना। चाहे नादान बच्चा आग में हाथ डाले, चाहे जवान आग में हाथ डाले, चाहे बूढ़ा आग में हाथ डाले, और चाहे एक गृहस्थ व्यक्ति आग में हाथ डाले, चाहे एक बड़ा से बड़ा महात्मा कहलाने वाला आग में हाथ डाले, आग जलाएगी। आग सबके लिए गर्म होती है। आग कभी किसी के लिए ठंडी होती हो, किसी के लिए गर्म होती है, ऐसा नहीं। उसमें से ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसे समझना है। तो नियम, प्रकृति का नियम है, जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी जरूर। इसलिए ये जीवन जो मिला हुआ है, इस जीवन को हम कितने सुंदर ढंग से जिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। थोड़ी सी बात और, प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति में कारण कार्य की जो एक व्यवस्था है, उस नियम में और व्यवस्था में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। और धर्म के नाम पर खूब चमत्कार, खूब चमत्कार करते हैं, महात्माओं के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, इतने इतने चमत्कार है कि क्या कहा जाए। और चमत्कार का अर्थ है केवल झूठ और छल कपट। जितने भी चमत्कार हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के साधन हैं।
इसलिए आप कभी भी चमत्कार के पीछे दीवाने न बने, क्योंकि चमत्कार होता नहीं, हर चमत्कार के पीछे कोई ना कोई छल कपट है, या रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण है, या कुछ और है। चमत्कार के पीछे दौड़ना बंद, चमत्कार के पीछे दौड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर ठगाते रहेंगे। न तो चमत्कार के पीछे दौड़े, न तो भ्रम के पीछे दौड़े, और न ही किसी ये ओझा बैगा ज्योतिष तांत्रिक के पीछे दौड़े। अनेक प्रकार के भ्रम दुनिया में चल रहे हैं। आप यहां जितने लोग बैठे हो, इधर देवियां बैठी है, इनकी संख्या ज्यादा है, इधर देवताओं बैठे हैं, देवता संख्या कम, देवता बिखरे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, कभी आपने गुस्सा किया होगा, कभी आपने किसी को गाली दी होगी, कभी आपने लड़ाई झगड़ा किया होगा, कभी आपने मारपीट किया होगा, और अनेक बार इस गुस्सा करने, गाली देने, मारपीट करने के परिणाम में आपको बाद में पश्चाताप करना होगा, सब आपको मार पड़ गई होगी। कभी आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास गए हो, ज्योतिषी जी थोड़ा देखिए तो वो शुभ मुहूर्त बनाइए कि गुस्सा करूं तो बढ़िया फल मिले, मुझे मिले। ज्योतिषी जी ये बताइए कि किस मुहूर्त में मुझे मारपीट करना है ताकि मेरी विजय हो जाए। सारे जितने भी गलत काम हैं उसके लिए आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाओगे, उसके लिए पूजा पाठ नहीं करोगे, लेकिन घर बनवाना है, शादी करना है, घर का उद्घाटन करना है, बच्चे का नाम संस्करण करना है, अब पता नहीं क्या काम, चले गए किसी पुरोहित के पास, चले गए किसी ज्योतिषी के पास लगन सुधवाने के लिए, मुहूर्त सुधवाने के लिए, और जाओगे तो ठगाओगे जरूर। आप अपने मन में शुद्ध भावना रखिए और सही काम करिए, जिस काम में आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। किसी ज्योतिषी, किसी साधु बाबा, किसी तांत्रिक, किसी पुरोहित पंडित से लगन धर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर समय शुभ मुहूर्त है, बस भावना पवित्र हो, काम पवित्र हो। और यदि भावना पवित्र नहीं है, काम पवित्र नहीं है, तो हर समय मुहूर्त गलत ही है। लेकिन आपके मन में अंधविश्वास है, भ्रम पड़ा हुआ है, और जितना भी भ्रम है आपको कमजोर कर लेगा। और ऐसे ऐसे भ्रम, ऐसे ऐसे अंधविश्वास की क्या कहा जाए। 6-7 साल पहले की बात है, ये बात यहां भी लागू होती होगी, क्योंकि हर जगह आदमी के मन में वही कमजोरी है। 6-7 साल पहले की बात है, मैं जयपुर में कार्यक्रम में था, ऐसे शाम का समय था, सत्संग के पश्चात एक नए बने मकान के छत पर घूम रहा था, बिल्कुल नया बना था, 3 तल्ले का बहुत बढ़िया मकान। मकान बनाने वाले ने काफी खर्च किया हो रहा होगा, उसमें गृह प्रवेश नहीं हुआ था। घूमते घूमते मैंने देखा कि मकान के ऊपरी हिस्से छत पर स्कूटर का एक पुराना टायर रस्सी से बांध करके लटका दिया गया था। मैंने लोगों से पूछा, इतना सुंदर मकान, इतना लाखों करोड़ों का खर्च किया गया है, और उसको ऊपर पर रस्सी से बांध कर पुराना टायर लटकाया गया। अरे नया टायर लटका देते क्या फर्क पड़ता, लेकिन पुराना टायर लटकाया गया, क्यों लटकाया गया? तो लोगों ने कहा, महाराज जी आपको पता नहीं है? कभी पता होता तो पूछता ही क्यों? एक टायर इसलिए लटकाया गया है, पुराना टायर,
कि मकान को किसी की नजर ना लगने पाए। मैं कहा अच्छा, मकान को भी नजर लग जाती है। मैंने कहा यदि स्कूटर का टायर लटकने से नजर नहीं लगती तो आप लोगों को भी बता रहा हूं, सबके सब अपने अपने गले में स्कूटर पुराना टायर लटका लो, मौत की नजर नहीं लगेगी, आप लोग मौत से बच जाओ। बड़ा सुंदर तरीका है मौत से बचने का, सबकी नजर लगेगी, मौत की नजर आपको नहीं लगेगी। बढ़िया मकान बनाते हैं लोग, करोड़ों खर्च करते हैं, बढ़िया सीमेंट बनाए लगाए, बढ़िया लोहा लगाए, बढ़िया बालू लगाए, बढ़िया इंजीनियर से बनाए बनवाए, बढ़िया मिस्त्री बनाए, सब चीज बढ़िया बनाए। बनाने के पश्चात उस मकान के ऊपरी हिस्से पर या सामने दरवाजे पर एक काली हंडी उल्टा करके लटका देते हैं लोग, मकान को नजर न लगे। बंधुओं, उस काली हंडी को मकान से उतार कर सिर पर लटका लो, हेलमेट का भी काम करेगा, ठंडी गर्मी से बचाएगी, वो मौत की नजर भी नहीं लगेगी आपको। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं क्या क्या है, दिमाग सड़ा हुआ है लोगों का, हर चीज आधुनिक चाहिए, दिमाग सड़ा हुआ चाहिए, क्या कहा जाए। जो आदमी इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा है, एक बार पूजा करते हो, कहते हो हमारा भगवान सबसे बड़ा है, तुम्हारे अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, उस काली हंडी पर विश्वास है। लोग बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, चलो पैसा खरीद लो, उस गाड़ी का जो इंजन है उस इंजन पर विश्वास नहीं है, गाड़ी की जो टेक्निक, जिस टेक्नोलॉजी से उस गाड़ी को बनाया गया है उस टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं है, जिन इंजीनियरों ने, जिन कारीगरों ने बड़ी मेहनत करके